सभी को प्रणाम। देखिए एक बार फिर हमारे साथ सौरभ सिन्हा जी हमसे जुड़ गए हैं और आज देखिए ये पेटी पूरी भरी हुई है और पेटी में क्या है आप लोग जरूर बताइएगा। और आज इन्हीं के सौजन्य से फादर पी विक्टर के दिशा निर्देश पर आज कुछ चीज़ें वितरण करने के लिए बुजुर्ग माता पिता के लिए भेंट स्वरूप आया हुआ है। तो हमसे अभी आप सौरभ जी बताएंगे कि क्या उद्देश्य है और किस लिए क्या है, कैसे कैसे यहाँ फिर चल के आना होगा, क्योंकि अभी जल्दी में ही आए थे और निरंतर इनका जैसे लगता है कि यही मन लगा रहता है और भाग भाग के बहाना बना के चले आते हैं। और देखिए सभी लोग आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो पहले जैसे बचपन में जब हम लोगों को कोई चीज़ पसंद होती थी या कहीं जाना पसंद होता था, नानी के घर यहाँ वहाँ पड़ोसी के यहाँ जहाँ जहाँ भी जाना पसंद रहता था वो लोकेशन, तो वो लोग उस लोकेशन पे कई बहाने बना के किसी न किसी तरीके से छुप छुपा के भाग जाते थे और वहाँ पे ज़्यादा समय व्यतीत करते थे। तो यहाँ आपका बहाना आने का क्या है? सबसे पहले तो आप लोगों का प्रेम है जो मुझे हमेशा खींच के लाता है और हमारे प्रधानाचार्य फादर पी विक्टर की प्रेरणा है जिन्होंने हमेशा प्रेरणा दिया कि कुछ अच्छा करोगे तो अच्छा महसूस होगा। और इसी प्रेरणा की कड़ी में उन्होंने कहा कि नौ वर्ष पे आप लोगों को शुभकामना दे रहा हूँ उनकी तरफ से और एक छोटा सा भेंट आप लोगों को दे रहा हूँ। इसी कोशिश में मैं एक कोशिश कर रहा हूँ रवि भैया कि अपने फादर जी का एक जो संदेश लेके आया हो कि नौ वर्ष आप लोगों का मंगलमय हो और ये भी कामना करता हूँ कि आप लोगों की आशीर्वाद दीजिए कि मेरे विद्यालय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे शिक्षक और हमारे फादर जी सब स्वस्थ रहें और अच्छे रहें, ये आशीर्वाद आप लोग बनाइए हैं। तो बस यही एक कोशिश है। और रवि भैया ने कहा कि आप ननिहाल हैं यहाँ वहाँ, सचमुच जिस चीज़ से इंसान को संतुष्टि मिलती है उसी को करने का बार बार मन करता है। यहाँ आप लोगों के बीच में आके मुझे इतना संतुष्टि मिलती है कि मैं आप शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि कितना अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार के बीच में आ गया और सौभाग्य है मेरा कि जो मैं कुछ कर पा रहा हूँ। इसी तरह आशीर्वाद आप लोग बनाइए हम लोग के ऊपर। अभी तक आप लोगों ने बताया नहीं इस डब्बे में क्या है, तो जिसको जिसको मालूम है अगर जानकारी है तो बताइए। देखिए दादी आशीर्वाद दे रही हैं। तो अब तिजोरी खुली तो हम चाहेंगे भैया खोलें और उसमें गिरा के उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। उसी में एक ट्रे में डाल दीजिए। हाँ इस साल भी फिर हमेशा जब तक अरे ले चलेंगे ले चला अभी तो कितना दिन पहले अरे नहीं किसी को नहीं मरने देंगे। लीजिए बाबा लेते रहिए आशीर्वाद देते रहिए। अपने हाथे दे क्या दादी? हाँ नहीं सर साहब कहीं बिस्कुट वो पकी दिया दे ताकत हम है हमने के देखा तुम है ललचत है का हाँ 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 हमरे गेला हाँ ललचत है कहे ललचत है हो ललचत है भैया तो आई हम ललचत ही तो बांटे देते हैं कुल खा जाते हैं भैया।
बढ़ा दीजिए सबको एक एक तो बढ़ा दीजिए। का दादी पहलू हाँ पाए पाए पहलू ना राम 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 पहलू दादी दादी तू पहलू नहीं राम 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 देखा देखा तो वीडियो को शेयर करके जरूर जाइएगा, ऐसे ही मत छोड़ के जाइएगा। और भैया को निरंतर आशीर्वाद भी देते रहिएगा। हाँ भैया आशीर्वाद आशीर्वाद।